जो हमारे जम्मू कश्मीर में एम्स आईटीआईटी खुल रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट हो गई है इतने सालों में, और इससे हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा है। हमें अपनी स्टेट में, अपनी यूटी में ही हमें सब मिल रहा है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी इससे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इसके लिए मोदी जी को थैंक यू। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही प्राउड मोमेंट है, हमारे जम्मू में ही IIM, IIT, एम्स ओपन हो रहा है, तो जिससे हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जैसे जॉब हमारे पास इधर जम्मू में ही मिल पाएंगी हमें, और हम अपनी स्टेट में रह के ही पढ़ पाएंगे। हमें ऐसे बाहर दिल्ली, अहमदाबाद वहाँ जाने की मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने घर के पास रह के हम पढ़ पाएंगे। सो ये जो इनिशिएटिव्स हमारे PM ले रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ले रहे हैं, इससे हम सभी को बहुत ज़्यादा ही मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। वी द स्टूडेंट्स ऑफ एम्स जम्मू आर वेरी मच एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट मतलब एम्स जम्मू इज फाइनली गेटिंग इनॉग्रेटेड। वी आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक ड्रीम हमारे जैसे पूरा हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। सो थैंक यू मिनिस्ट्री को एंड मोदी जी को एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि उन्होंने ये सब हमारे लिए किया। बेसिकली आई एम वेरी ग्लैड देयर आर इंस्टीट्यूट्स गोन टू बी इनॉग्रेटेड नाउअडेज, एंड द थिंग इज कि नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग इन द इंडिया डे बाय डे। लाइक इन द पास्ट PM मोदी आल्सो इनॉग्रेटेड सेवरल एम्स लाइक इन हरियाणा एंड एटसेट्रा ऑल द अदर स्टेट्स, एंड अब हमारा होने जा रहा है ऑन लाइक 20th ऑन मंडे, तो इट्स लाइक वेरी एक्साइटिंग। आम जनता को उससे फ़ायदा होगा, कनेक्टिविटी रोड की बढ़ेगी तो उससे व्यापार भी ज़्यादा हो जाता है, आम लोगों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। जो कश्मीर हमने सोचा नहीं था कभी ट्रेन जाएगी, लेकिन कश्मीर में ट्रेन चली गई, और कश्मीर में अब हमारा सफ़र बिल्कुल आधे से भी कम हो गया है, और टूरिस्ट भी बढ़ेगा, और हमारा J&K सुपर जाएगा सुपर।